अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिंकिन सॉल्यूशन। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि हमने भाई अमेज़न अकाउंट बना लिया यूएई में, लेकिन हमें तो एक ऑर्डर भी नहीं आया अभी तक, हमें ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे। अब हम क्या करें, हमें इतना जो है अकाउंट बना लिया, इतना हम कॉन्फिडेंट थे कि अमेज़न पे इतने इतने पैसे हम कमाएंगे, लेकिन हमें ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे, तो अब हम क्या करें। तो आज की वीडियो में आपको एक जबरदस्त टिप बताने वाला हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग का पूरा एक तरीका बताने वाला हूँ कि आप कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, किस तरह मोस्ट हॉट आइटम्स जो है वो आप ढूंढेंगे, उसको सोर्स करेंगे और उसको लिस्ट करके आप पैसे कमाएंगे और आपको बहुत सारी और ढेर सारी ऑर्डर्स आएंगी। सबसे पहले जो मैं वीडियो में एक बात बताने वाला हूं कि वीडियो शायद लंबी हो तो आपने स्किप नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो में जो बना रहा हूं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा आज की वीडियो में। अगर आप आज की वीडियो देख लेते हैं एंड तक तो बहुत सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी और आपका ये सवाल जो है, ये क्वेश्चन जो है आपका ये हल हो जाएगा कि मुझे ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे या मैं प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करूंगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमेज़न पे हम प्रोडक्ट हंटिंग हम कैसे कर सकते हैं विद हीलियम 10 टूल और हम मोस्ट हॉट प्रोडक्ट्स जो है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, स्टेप बाय स्टेप देखनी है ताकि सारी चीजें आपको समझ आ जाए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग आप में से ये सोचेंगे कि हमारे पास तो हीलियम 10 है ही नहीं, हम कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे या हम तो परचेज ही नहीं कर सकते, इतना महंगा है कि हम परचेज ही नहीं कर सकते हीलियम 10, ना हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट है ना इतना बजट है हमारे पास कि हम हीलियम 10 परचेज कर ले। तो मैं आपको एक गुड न्यूज बता रहा हूँ कि हीलियम 10 आपको बहुत ही चीप प्राइस में मिलेगा, मंथली बेस पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको हीलियम 10 चाहिए, बहुत ही कम पैसों में आपको चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट करें, आपको हीलियम 10 मिल जाएगा, या मेरा वेबसाइट जो है linkinsolution.com वो आप विजिट करें, वहां पे भी आपको हीलियम 10 मिल जाएगा, या आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें तो भी आपको मिल जाएगा। आपको हीलियम 10 मिल गया, फिर आपको कोई फिक्र नहीं है, आप प्रोडक्ट हंटिंग करें तो प्रोडक्ट निकाल के सोर्स करें और फिर लिस्ट करें। अच्छा जी, हीलियम 10 लेने के बाद सबसे पहले आपने हीलियम 10 को लॉग इन करना है, आपने मेन डैशबोर्ड पे जाना है। मेन डैशबोर्ड पे आप जाएंगे, आप टूल्स में जाएंगे, यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लैक बॉक्स का, आप इस पे क्लिक करेंगे। आप ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, इसके जरिए जो है हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं और मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स जो है वो फिल्टर करते हैं। सबसे पहले आपने यहीं पे चेंज करना है amazon.ae आपने करना है, अगर आप यूएई में कर रहे हैं। अगर आप यूएसए में कर रहे हैं तो amazon.com करना है, अगर आप किसी दूसरी कंट्री में कर रहे हैं तो वो आप सेलेक्ट करें। फिलहाल मैं यूएई में कर रहा हूं तो मैं amazon.ae सेलेक्ट कर रहा हूं और ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहीं से फिर हम प्रोडक्ट्स जो है वो फिल्टर करेंगे और देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मोस्ट ट्रेंडिंग है और हमें ज्यादा रेवेन्यू जो है बना के दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपने प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से कैटेगरी का प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करना है। तो मैं कर रहा हूं जी, सबसे पहले जो मैं करूं इसमें से कोई कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं होम एंड किचन और इसके साथ साथ में ऑफिस प्रोडक्ट जो है वो कर रहा हूं। तीन कैटेगरीज का मैं फिल्टर कर रहा हूं, होम, किचन और ऑफिस प्रोडक्ट्स का, ठीक है। ये हमारी कैटेगरी सिलेक्शन हो गई। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि कितने नंबर आप सेलर्स होने चाहिए, मिनिमम सेलर्स कितने होने चाहिए और मैक्सिमम सेलर्स कितने होने चाहिए। तो मैं चाहता हूं ज्यादा कंपटीशन भी ना हो, तो मैक्सिमम 6 सेलर्स होने चाहिए, जो हमें आप जो अभी हेलियम 10 हमें फिल्टर करके देगा, मैक्सिमम 6 सेलर्स होने चाहिए। सेल्स उसका कितना आना चाहिए, मंथली रेवेन्यू कितना इसका बनना चाहिए, ठीक है, या कितने यूनिट सेल होने चाहिए, तो ये भी आप बता सकते हैं। मैं ये बताऊंगा कि तकरीबन मंथली 200 यूनिट्स तो सेल होनी चाहिए। और इसकी प्राइस मिनिमम कितना होना चाहिए, तो 20 तक का, ठीक है, कि 20 दिरहम का लेके 20 दिरहम से लेकर मिनिमम प्राइस इतना होना चाहिए। और अगर आप इसको मैक्सिमम भी सेट करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं सिर्फ मिनिमम सेट कर रहा हूं और मैक्सिमम इसको मैं नहीं करा। अगर किसी स्पेसिफिक ब्रांड का आप करना चाहें तो यहीं से कर सकते हैं, अगर आप रिव्यू काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप साइज के ऊपर वेट के ऊपर जाए तो मैं 4L भी कर रहा हूं, ज़्यादा बल्की आइटम या ओवर साइज प्रोडक्ट्स मुझे नहीं चाहिए। फुलफिलमेंट में आप आए तो FBA और FBM दोनों का हमें चाहिए, अमेज़न का नहीं चाहिए। बाकी जहां पे आपको लगे तो आप फिल्टर कर सकते हैं और फिलहाल ये जो है मेरे ख्याल में ये काफी है। यहीं पे मैं सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ, सर्च पे क्लिक करने के बाद यहीं पे हीलियम 10 हमें फिल्टर करके प्रोडक्ट्स दे देगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो मोस्ट ट्रेंडिंग है, उसका पूरा जो है हमें रिजल्ट जो है वो एनालिटिक्स और स्टेटिस्टिक दिखा देगा, ठीक है। अभी हम हीलियम 10 सर्च कर रहे हैं और अभी जो है फिल्टर होकर प्रोडक्ट्स निकल आएंगे हमारी जी। तो रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, जो हमने तीन कैटेगरीज का फिल्टर लगाया था और ये टॉप पे आपको ऑफिस प्रोडक्ट नजर आ रहा है और इसके अगर आप प्राइस देखें 43 है और मंथली सेल इसकी 226 यूनिट्स जो है ये सेल हो रहे और मंथली रेवेन्यू जो है ये जनरेट कर रहे हैं 9718,
ठीक है, इसके आगे आप और भी देखे जाए तो यहीं पे आपको मिल जाएगा कौन सा ब्रांड है और इसकी सेल्स कितनी है, तो सारे एनालिटिक्स आप चेक कर सकते हो यहीं पे। फिर आप किचन का कोई प्रोडक्ट है, बैग है, अगर आप थोड़ा नीचे जाए यहीं से हम फिल्टर लगा सकते हैं कि हमें हाईएस्ट प्रोडक्ट दिखाओ जिसकी जो रेवेन्यू है या सेल्स ज़्यादा हो रही है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और जो टॉप प्रोडक्ट होगा वो टॉप पर आ जाएगा। अब यहीं पर किचन का जो प्रोडक्ट है वो टॉप पर आ गया है, 100 पीसीस एयर फ्रायर का। और अगर आप इसकी मंथली रेवेन्यू देखें तो 33,768 ये जो है कमा के दे रहा है सेलर्स को ये प्रोडक्ट, ठीक है। 33,768 बहुत बड़ी अमाउंट है, 1,126 जो है इसकी यूनिट सेल हो रहे। अगर आप मजीद इस प्रोडक्ट को देखना चाहें तो इस पे आप क्लिक करें, अमेजोन में जाएं और इसको आप देखें, तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसकी अगर और हम देखें नीचे आए और यहीं पे बाकी एनालिटिक्स हम इसकी देखें तो आप इस प्रोडक्ट की देख सकते हैं, सेलर्स आप देख सकते हैं, इसकी रिव्यूज़ आप देख सकते हैं, कौन सा ब्रांड है ब्रांड देख सकते हैं, शिपिंग डिटेल्स आप देख सकते हैं, इसकी जो वेट है आप देख सकते हैं, सारी चीज़ आप यहीं हीलियम 10 में आप जो है वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अमेजोन में जाए और यहीं पे आके प्रोडक्ट देखें, 100 पीसीस एयर फ्रायर का, इसकी रिव्यूज़ देखें और हम मजीद इस प्रोडक्ट को अगर एक्सरे इसके ऊपर हम चलाएं और देखें कि ये इस प्रोडक्ट या इस कीवर्ड के ऊपर और कितने प्रोडक्ट्स है और टोटल ये कीवर्ड कितना कमा के दे रहा है सेलर्स को, तो इसके लिए आप जो है ये कीवर्ड कॉपी करें 100 पीसीस एयर फ्रायर का, यहीं पर आके इसको सर्च करें और इसको सर्च मारें। अभी हम देखते हैं कि इस कीवर्ड पर हमारे पास कितने प्रोडक्ट जो है अमेजोन में लिस्टेड है और उस पर एक्सरे चला के हम देखेंगे कि ये कीवर्ड और सेम टू सेम इस तरह के प्रोडक्ट्स कितना रेवेन्यू जनरेट करके सेलर्स को दे रहे हैं। अब ये चेक करें, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस पर आ गए इसी कीवर्ड पे, 100 पीसीज एयर फ्रायर के ऊपर। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहीं पर हीलियम 10 पे आके यहीं पर या ऊपर या नीचे भी यहीं पर ऑप्शन है, उधर आके आपने क्लिक करना है हीलियम 10 के ऊपर। हीलियम 10 के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक्सरे का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है और आपने इसके जो है एक्सरे आपने करना है, ठीक है। अगर आप देखें तो यहीं पे आपको रेवेन्यू दिखा रहा है 84,455, ठीक है। उसकी जो एवरेज रेवेन्यू है वो आपको दिखा रहा है, एवरेज प्राइस आपको दिखा रहा है, BSR आपको दिखा रहा है, रिव्यूज़ आपको दिखा रहा है, तो सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है। अगर आप नीचे जाए और वन बाय वन आपको बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट, बहुत सारी एसआईएनज़ जो है वो आपको मिल जाते हैं, आप यहीं से चेक कर सकते हैं उनकी जो सेल्स है, जो रिव्यूज़ है, जो रेवेन्यू है। ये प्रोडक्ट अगर आप टॉप पे देखें तो चलो ये तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी ये 575 जो है ये रेवेन्यू बना के दे रहा है, ठीक है। इसको आप कंसिडर ना करें, जो SP प्रोडक्ट्स है ये स्पॉन्सर, ठीक है। इसके बाद के वाले जो प्रोडक्ट्स है तो ये वाला अगर आप देखें तो ये 33,000 कमा के दे रहा है। तो इस तरह प्रोडक्ट आप जो है फिल्टर कर सकते हैं, तो इस तरह आप फिल्टर करके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, उसकी रेवेन्यू देख सकते हैं, उसकी रेटिंग सेलिंग सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, उसको फिर आप कंसिडर करते हैं, सोर्स करते हैं। अगर कोई ब्रांड का प्रोडक्ट है तो आपने उस ब्रांड को कैसे अप्रोच करना है, उनसे स्टॉक कैसे लेना है, उनसे अप्रूवल कैसे लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैंने आपको ये बताना था कि हीलियम 10 टूल का आपने यूज़ कैसे करना है, अपने प्रोडक्ट कैसे फाइंड करने। अब मजीद इस हीलियम 10 टूल के जरिए हम प्रोडक्ट और भी एनालाइज कर सकते हैं, और भी मजीद कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट को और भी डीपली हम देख सकते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ आपको ये बताना था कि आप हीलियम 10 पे प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, किस तरह प्रोडक्ट आप निकालते हैं, कि ये ट्रेंडिंग है कि नहीं है, ये कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी थी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हिट लाइक करें, कॉमेंट करें या मेरा वेबसाइट विजिट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हीलियम 10 टूल चाहिए तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अमेजोन फुल कोर्स आपने करना है और आपने सीखना है कि मैंने बिजनेस अमेजोन पे कैसे करना है और मैंने पैसे कैसे कमाने हैं, तो आप फुल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको बर वक्त मिले। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।